आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हम से में देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम से लेके कुछ नए बड़े बदलाव हो गए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन की गई है। और बात करने पे ये भी पता चला है कि होली के बाद आपकी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होगी और उन्होंने इनफैक्ट यहाँ तक ही कहा कि चाहे चॉइस फिलिंग 10 को हो, 15 को हो, 20 को हो, मार्च अंतिम तक आपका पूरा आवंटन हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके लिए हम पूरा चलेंगे, अपने आइडियो सुनाएंगे जो उनसे बात हुई है। उसके पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम से रिलेटेड पूरी अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ जितने भी डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आती है उससे रिलेटेड सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही साथ फ्री अपकास्ट क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं उस आइडियो की तरफ। फ्रेंड्स ये अच्छा जी हैं और ये आपके लखनऊ में ही हैं और इनको बीच बीच पे टाइम मिल मैं मैसेजेस करता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है और ये खुद जाके डिपार्टमेंट में कई बार गए हैं, आप सबके लिए हेल्प किए हैं। तो एक बार इनके द्वारा जो बात की गई या दूसरे के द्वारा इन्होंने हमें शेयर किया है, तो ये आपको आइडियो एक बार सुन लेनी चाहिए। हेलो नमस्ते सर, कल तो बात हुई है ना आपसे? नहीं कल नहीं बात हुई थी, कल आपने फोन ही नहीं इसकी। सर बाकी छुट्टी में तो पहले दिन तक प्रयास अभी तक यही है, पूरा हो जाएगा। ठीक है मार्च, अच्छा सर सर मतलब ये है कि मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है, अवंटर का कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक, ओके सर ओके सर। अभी तक का कार्यक्रम यही है, दो चार दिन आगे पीछे हुआ, छुट्टी में बात हो रहा है, मार्च एंड तक बात हो जाएगी। मतलब ये है ना कि मार्च में खत्म हो जाएगा ना, बाकी तो होली के बाद ही चालू होगा, मार्च तक खत्म हो जाएगा मोटा मोटा। दूसरी चीज यदि छुट्टी से आगे बढ़ा, दो चार दिन आगे बढ़ सकता है, बाकी छुट्टी में तो पहले हो जाएगा। दूसरी चीज आप लोग एडमिट कार्ड अपना जो है रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग सब बड़ी तैयारी है। सर एडमिट कार्ड जो आपने पिछले लेके आई उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अभी हमारे पास नहीं। ठीक है नहीं नहीं सर, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, वो सारे सर अवेलेबल है हम लोग के पास। इतना चीज करिए, बाकी और कुछ पूछना पूछिए। सर एक चीज पूछना ये था कि जब भी आप कभी करेंगे तो नोटिफिकेशन जब पेपर में निकालेंगे तो सर 7 दिन का टाइम तो देंगे ना, उसके डेट के अकॉर्डिंग हमने आज कॉल करी है। अगर अगर आज नहीं, अभी तो पेपर में नहीं आया, जब पेपर में आएगा पेपर में तो जो आएगा आएगा, वेबसाइट पे तो देख लीजिए एक बार खोल के। सर वेबसाइट पे जो जो सूचना पेपर वेबसाइट पे जरूर रहेगी। ठीक है सर वो तो रहेगी, लेकिन सर जब तक आप जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तो पता चलेगा। नोटिफिकेशन तुरंत वेबसाइट पे भी रहेगी मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं आप मेरी बात नहीं समझ, अब बात पेपर का ये होता है ना, पेपर में जाएगा, पेपर में पब्लिश करने तो चल जाएगा, नहीं आपको सूचना पहले वेबसाइट पे मिल जाएगी जो पेपर में जा रही है ना। की बात कर रहा हूँ वेब, सर हम वेब की ही बात कर रहे हैं। वेब में भी जब ये आएगी तो करीब 6 से 7 दिन पहले आएगी, तभी तो कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब अभी 6 से 7 दिन अगर आज जोड़ लें तो कम से कम 3 तारीख तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। इतना समय आपको प्रयास रहेगा, ऐसा थोड़ी कि आपको आज हमने दिया और कल बुला दिया, इतना समय रहेगा। अब बात नहीं सुन सर, ये लगभग 3 से 4 जैसे अगर आज आ जाती है तो लगभग आज मान लीजिए आज आज शाम को पड़ गई है, बताइए तब क्या करेंगे आप? तो सर करेंगे सर कुछ नहीं, मतलब पता चल जाएगा नहीं, वो कभी भी पड़ जाएगी। इसलिए ठीक है ठीक, ओके सर कोई बात नहीं सर। मैंने इसलिए बार बार आप लोगों को जिसको भी बात किया सर, मैंने सबको ही कहा कि प्रयास है कि मार्च में काम पूरा हो जाए, हो सकता है 10 को चालू हो जाए, होता 15 चालू हो जाए, 20 को चालू हो जाए, तो अलग अलग चीज है ना। जी 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 जी, तो इसलिए इसको आप देखेंगे तभी तो मालूम चलेगा, इसमें देखेंगे तो आपको और चीज जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी सर, वैकेंसी वगैरह सब चीज चीज मिलेगी, इसलिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट आपको खोल दी, रिलेशन देखना तो सब चीज उसी में मिलेगी, पेपर मिलते हैं सब अलग, लेकिन जो चीज है वहाँ पे सब इसमें उपलब्ध रहेगी। ठीक है जी सर, जी सर ये आसान है, इसको देखते रहिए। ठीक जी सर। तो दोस्तों ने यहाँ पे आपने पूरा चीज़ देख लिया, पूरी चीज़ सुन लीजिए, एक बार फिर से मैं उसी को रिकैप कर देता हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि आपके मार्च में होली के बाद ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा, चाहे जितनी भी देर कराई जाए लेकिन मार्च एंड तक आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम देने के टाइम ले गया थे, एडमिट कार्ड आपको अपना ढूंढ ढूंढ के रख लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग का खो गया होगा। उसके आगे अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंस है आपका एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड आपके पास में नहीं है तो आप जब डीवी के टाइम ले गए थे वो चीज़ चाहिए, अगर वो भी आपके पास में नहीं है तो जो आपने डाउनलोड किया वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर वो चीज़ भी नहीं है तो आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है ये मैं पूरी चीज़ पहले से ही बता देता हूँ, क्योंकि एक दो और आइडिया मेरे पास में जिसमें उन्होंने सर ने लास्ट में ये बात बोली भी है। ठीक है तो इसके लिए आप श्योर हो जाओ और देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके रखिए, और कुछ भी डिटेल हो
आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है फ्रेंड्स कि आप डेली बेसिस पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो है लिंक ग्रुप में आप सबको प्रोवाइड की जाए। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 4 से 5 ग्रुप है ट्यूबवेल ऑपरेटर का। आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना, कोई ना कोई ग्रुप, ठीक है। और डेली बेसिस पर आप ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का idup.up.in का करके है, ठीक है, तो इसको विजिट करते रहिए। यहाँ पर ही सारी चीज़ अपडेट की जाएगी, न्यूज़पेपर में तो आएगा ही, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको दी जाएगी। और जिस दिन दी जाएगी उसी के बाद का एक सप्ताह आपको टाइम रहेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एडमिट कार्ड है। तो ये थे रही पूरी डिटेल्स फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जितने दोस्तों को शेयर कीजिएगा एक बार जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया, तो इसलिए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स वो श्योर रखें, कंफर्म रखें, क्योंकि अब जहां तक प्रोसेस है वो ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होने वाला है। देखिए ये बात पूरी ध्यान से सुन लीजिएगा, वो ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होने वाला है। तो जो बात करने के बाद पता चला है, जो कुछ बड़े बदलाव होंगे मैं आपको फिर से डिटेल में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में दो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वीडियो को जरूर बारी बारी से देखें। आप अपने काम की चीज़ देखते हो इनफैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बट ये है रिगार्डिंग मैं और सारी वीडियो के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देखिए, लेकिन उस पर व्यूज़ जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।